हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बनी हुई बहुत ही कुरकुरी क्रंची रेसिपी, जो कि शाम के स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इस क्रंची सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने 4 चम्मच बेसन लिए हैं। इसमें 2 चम्मच हम चावल के आटे को मिक्स करेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च हम वो भी बारीक कटी हुई डालेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। आधी चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी से भी थोड़ी कम गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे। आधी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें काला नमक मिलाया है, जिसे रॉक साल्ट बोलते हैं। एंड में हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और सबको पानी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि हम पकौड़ों के लिए करते हैं वैसा बैटर बना लेंगे इसका। तो हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो गई है। ये ऐसे ही रहनी चाहिए, ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ हमने ब्रेड की कटिंग करके रख लिए हैं। एक ब्रेड से हमें 3 टुकड़े करने हैं और 3 टुकड़े करके इसे कट करके रख लेना है। अब ब्रेड को हम बैटर में डुबो देंगे। हमारी तेल गर्म हो चुकी है, गर्म हो रही है, तो उसमें हम डाल देंगे एक एक करके जितना आ जाए एक बार में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक बार में 4 रखे हैं। 4 को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको धीरे धीरे एक बार पलट देंगे आराम से। इसको उलटते पुलटते हुए हम थोड़ी देर पकाएंगे अच्छे से, गैस को मीडियम फ्लेम पे करके। तो ये हमारी क्रंची से शाम के स्नैक बन के